कामयाब लोग कोई अलग काम नहीं करते, हर काम अलग ढंग से करते हैं, और वो ढंग पता होना बहुत जरूरी है। ये ढंग का ही देन है कि किसी का समोसा लोग 50 किलोमीटर दूर खाने आते हैं, किसी की चाय लोग 10-10 किलोमीटर दूर पीने जाते हैं, और किसी की पड़ोसी भी उस चाय को या उसके समोसे को नहीं खाता है। तो ये सारा खेल ढंग का है, कौन किस ढंग से बना रहा है। बना तो सभी रहे हैं, लेकिन ढंग का होना बहुत ही जरूरी है। तो कल जो दोस्तों मेरी आपकी बातचीत चली थी, कल हम लोगों ने बातचीत किया था कि हमें जो बिजनेस में काम करना है, वो सबसे पहला काम हमें अपनी इनकम को पहले दिन ही डिसाइड कर लेना है कि इस महीने हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, किस इनकम के लिए मेहनत कर रहे हैं। फिर उस इनकम को हमें बांटना है कि जो इनकम हम कमाना चाहते हैं, इस इनकम में हम रिटेलिंग इनकम कितना कमाएंगे, हम रिपर्चेज इनकम कितना कमाएंगे, हम डायरेक्ट इनकम कितना कमाएंगे, हम पॉइंट इनकम कितना कमाएंगे, हम अवेयरनेस इनकम कितना कमाएंगे। ये सारी चीजें हमें पहले से ही डिसाइड कर लेनी है, क्योंकि जब आप इस तरीके से अपने इनकम को डिक्लेयर करेंगे और मेहनत करेंगे उस इनकम को कमाने के लिए, तभी वो आपकी टीम भी देखेगी। और अपनी जब भी आपको किसी को बताना है कि आपको कितना पैसा आया, तो आपको अपने टोटल इनकम को बताना है, क्योंकि ऐसा नहीं जो कंपनी से आपके खाते में ट्रांसफर हो रहा है वही पैसा है, जो आप रिटेलिंग से कमा रहे हो वो भी पैसा है, जो आपको रिपर्चेज आ रहा है वो भी पैसा है, तो जो डायरेक्ट आ रहा है वो टोटल पैसे को आपको बताना है। और जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था ये कि मान लीजिए आप 50,000 रुपया इस महीना कमाना चाहते हैं, तो ये ऐसा मत सोचिए कि 50,000 रुपया मुझे चेक ही आए, मेरे खाते में आए तो 50,000 हुआ। उस 50,000 को आप बांटिए कि इस 50,000 में कितना पैसा मैं रिटेलिंग से कमा सकता हूँ, इस 50,000 से कितना पैसा मैं रिपर्चेज से कमाऊंगा, इस 50,000 में कितना पैसा मैं डायरेक्ट कमाऊंगा, इस 50,000 में कितना पैसा मैं पॉइंट से कमाऊंगा, इस 50,000 में कितना पैसा मेरा अवेयरनेस से आ सकता है, इस 50,000 में कितना पैसा मेरा डिफरेंस से आ सकता है, फंड से आ सकता है, रॉयल्टी से आ सकता है, मतलब उसको बांटिए और टोटल मिला के आपको उस महीने 50,000 आना चाहिए। ऐसे ही 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना भी आप करना चाहते हैं उसको आप बांटिए और फिर उसके लिए आप मेहनत कीजिए। क्योंकि अगर आप सोचिए कि मैं केवल 1 रन बना बना के शतक मारूंगा तो भी बहुत लंबा हो जाएगा, अगर आप सोचिए मैं केवल छक्के मार मार के चौके मार मार के शतक बनाऊंगा तो भी सही नहीं होगा। तो एक मिश्रण होना चाहिए आपके शतक में, 1 रन भी शामिल हो, 2 रन भी शामिल हो, 3 रन भी शामिल हो, 4 रन भी शामिल हो, 6 रन भी शामिल हो, सबका मिश्रण होना चाहिए आपका शतक। तो इसी प्रकार से जो आपकी मंथली इनकम है वो सबका मिश्रण होना चाहिए, और जब ऐसा आप करेंगे तो आपकी टीम भी ऐसा करेगी, और जब आपकी टीम अपनी मंथली इनकम को बढ़ाने के लिए अपनी रिटेलिंग बढ़ाएगी, अपनी रिपर्चेजिंग बढ़ाएगी, तो सोचिए आपका रिपर्चेज बिजनेस कितना अस्थायी होने लगेगा। और जब आपकी टीम अपनी टोटल इनकम को बढ़ाने के लिए अपना पॉइंट बढ़ाएगा, डायरेक्ट बढ़ाएगा, अवेयरनेस बढ़ाएगा, डिफरेंस बढ़ाएगा, हर चीज पे उसकी कैलकुलेशन होगी, उसको पहले से पता होगा कि इस महीने वो किसके लिए मेहनत कर रहा है, तो सोचिए आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ जाएगा। तो हमें वो गाना नहीं गाना, मैंने कल भी बोला था कि हम किस गली जा रहे हैं उसका कोई ठिकाना नहीं, हमें ये गाना नहीं गाना है, हमें पहले से पता करना है कि हमें किस गली जाना है, किस शहर जाना है, कहाँ जाना है, उसके लिए कौन से मोड़ आएंगे, कौन से मोड़ पे हमें मुड़ना है, कौन से मोड़ पे हमें नहीं मुड़ना है। जैसे हम किसी दुकान में जाकर कहते हैं कि मुझे ये चीज दे दो, तो दुकानदार हमें वही निकाल के देता है। तो हमें पहले भगवान से फिक्स कर देना है कि भगवान इस महीने मुझे GMBD से 50,000 रुपया दो, मुझे 50,000 दो, मैं 50,000 के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं 1 लाख के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं 2 लाख के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं 5 लाख के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं 50 लाख के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं 1 करोड़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं 5 करोड़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं 50 करोड़ के लिए मेहनत कर रहा हूं। ये हमारा पहले डिक्लियर हो जाना चाहिए,
जब ये डिक्लेयर हो जाएगा फिर हमारी मेहनत तो ऐसे होने लग जाएगी। हमें ऐसी मेहनत नहीं करनी कि हम पूरे महीने भाग रहे हैं, जो आ गया वो इनकम हो गई, जो क्लोजिंग हो गई बस वही क्लोजिंग हो गई। ये तो ऐसे हो गया ना कि आप एक तीर पे पेन मारिए या तीर मारिए, जहां जाकर तीर लग जाए वहीं पर जाकर आप गोला बना दीजिए और आपको लगे कि बस मैं तो बहुत बड़ा तीरंदाज हूं, मैं तो बहुत बड़ा निशानेबाज हूं, एकदम देखो बीचों बीच मैंने तीर मारा है, बीचों बीच मेरा पेन जाके लगा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लक्ष्य हासिल होने से उत्साह बढ़ता है, चाहे लक्ष्य छोटा हो चाहे लक्ष्य बड़ा हो। आप ये मान के चलिए कि इस महीने मुझे जेएमबीडी से 10,000 कमाना है, उसको आप कैलकुलेट कीजिए कि मुझे इस महीने 10,000 में इतना रिटेलिंग से कमाना है, इतना रिपर्चेज से कमाना है, इतना मुझे डायरेक्ट कमाना है, इतना मुझे पॉइंट से कमाना है, इतना मुझे मैचिंग कमाना है, इतना मुझे अवेयरनेस से कमाना है। मेरी टीम में 5 लोग हैं जिनको मैं 2,000 रुपया कमवा रहा हूं, तो 10 लोगों से मुझे 5,000 रुपया अवेयरनेस आ जाएगी, 5,000 अगले 5,000 में मैं 1,500 रुपया अपने डायरेक्ट कमा लूंगा, बाकी मैं रिटेलिंग से कमा लूंगा। तो वो 10,000 रुपया भी आप कमाएंगे ना तो आप अपनी पीठ थपथपाएंगे। यस, फिर आप लक्ष्य लीजिए, अब मुझे 20,000 कमाना है, अब मुझे 40,000 कमाना है, फिर उसके लिए आप भागिए। फिर लक्ष्य लीजिए, मुझे 1,00,000 कमाना है, अब मुझे 5,00,000 कमाना है, अब मुझे 10,00,000 कमाना है, अब मुझे 5 करोड़ कमाना है, अब मुझे 50 करोड़ कमाना है। ऐसे लक्ष्य लीजिए और ये आपकी टीम देख रही है। और जब छोटा छोटा लक्ष्य लीजिए और उसको पूरा कीजिए और उसका सेलिब्रेशन कीजिए, अपनी टीम के सामने बताइए कि इस महीने मैं 10,000 के लिए भागा और मैंने कमा लिया, इस महीने मैं 20,000 के लिए भागा मैंने कमा लिया, इस महीने मैं 40,000 के लिए भागा और मैंने कमा लिया, तो ये अच्छा लगेगा। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखता हूँ कि वो पूरे महीने काम करते हैं, बहुत सारा मेहनत करते हैं, लेकिन उनको पूछ लो इस महीने आप किस इनकम के लिए मेहनत कर रहे हैं, तब वो सोचने लग जाते हैं कि मैं किस इनकम के लिए मेहनत कर रहा हूँ। वो ये तो कहते हैं मैं इस महीने इतनी ज्वाइनिंग कराऊंगा, मैं इस महीने इतना सामान बेच दूंगा, मैं इस महीने इतने लोगों को प्लान दिखाऊंगा, मैं इस महीने इतने लोगों को प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते ये सब काम मैं कर किस लिए रहा हूं। कर तो रहा हूं इनकम के लिए ना। अब जैसे किसी ने टारगेट ले लिया, इस महीने मैं 30 ज्वाइनिंग कराऊंगा, तो आपका टारगेट ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए इनकम। जैसे ये टारगेट लेना क्या सही है कि मैं इस मैच में 6 छक्के मारूंगा, भैया आप ये टारगेट लो कि इस मैच में आप रन कितने बनाओगे, फिर उस रन को बनाने के लिए आप कितने भी छक्के मारो, कितने भी चौके मारो, कितने भी 2 रन लो, कितने भी 1 रन लो, कितने भी 3 रन लो, कितने भी कुछ भी करो, लेकिन आपका टारगेट आपका रन होना चाहिए, परिणाम होना चाहिए टारगेट, काम नहीं टारगेट होना चाहिए, परिणाम टारगेट होना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक है वो परिणाम रखते हैं कि मुझे इतना टर्नओवर चाहिए, उस टर्नओवर के लिए मुझे क्या क्या करना है, कितना प्रचार करना है, कितना होल्डिंग बोर्डिंग टीवी रेडियो वॉल पेंटिंग सेल्समैन घर घर जाने वाले क्या क्या करना है, वो सब कुछ मैं करूंगा लेकिन मुझे इतना टर्नओवर चाहिए। ऐसे ही राजनीति में है, आपको इतनी सीटें चाहिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए, तय होके आपके सामने आ गई, अब उस सीट को पाने के लिए आप कितने अपने नेता उतार रहे हैं, अभिनेता उतार रहे हैं, खिलाड़ी उतार रहे हैं, खुद घर घर जा रहे हैं, क्योंकि तो आपके सामने आपका लक्ष्य है। अगर किसी भी नेता के सामने ये लक्ष्य ही ना हो कि आपको इतनी सीटें लेनी है, फिर तो हर कोई मेहनत करता रहे और बोले ठीक है जी हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम विधायक सांसद बन जाएंगे। लक्ष्य सामने होना चाहिए कि इतनी सीटें लाने के लिए हमें जो जो करना पड़ेगा वो हम सब कुछ करेंगे। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है, कोई बात नहीं, एकदम परेशान मत होइए कि अगर आप लक्ष्य लेते हैं और वो हासिल नहीं होता है, एकदम परेशान मत होइए, क्योंकि पहली बार बल्ब बनाने का जिसने लक्ष्य लिया पहली बार में बल्ब नहीं बना, पहली बार हवाई जहाज बनाने का जिसने लक्ष्य लिया पहली बार में हवाई जहाज नहीं बना, पहली बार में अमिताभ फिल्मों में हिट नहीं हुए, पहली बार में सचिन ने शतक नहीं मारा, पहली बार में धोनी शतक नहीं मार पाए, 0 पे आउट होके आए थे,
तो अगर आपका लक्ष्य पहली बार में नहीं पूरा हो रहा है तो अच्छी बात है, आप में सुधार होगा, आप जवाबदेही करेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपकी सारी तीरें लक्ष्य पे लगेंगी, एकदम आपके टारगेट पे लगेंगी, और आपके अंदर एक उत्साह आएगा, आत्मविश्वास आएगा कि अब मैं एक निशानेबाज, एक खिलाड़ी, एक लीडर बन चुका हूं। बस मेरा आप लोगों से कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप बहुत बड़े सर्वोत्तम ऊंचा मुकाम पे जाना चाहते हैं तो अपनी टीम को आदत डालिए कि वो लक्ष्य लेकर उठे, लक्ष्य लेकर जागे, लक्ष्य लेकर भागे और लक्ष्य लेकर सोए। क्योंकि अगर कोई लक्ष्य लेकर सो रहा है तो फिर वो सही समय पर उठ जाएगा, लेकिन जो बिना लक्ष्य के सोता है वो सुबह कितने बजे उठेगा कुछ भी पता नहीं है। जैसे कि आपकी जिस दिन ट्रेन होती है 4 बजे, आप मुझे बताइए कोई भी व्यक्ति ऐसा है आज तक जिसकी 4 बजे ट्रेन हो और वो 5 बजे अपने घर में सोकर उठकर बोले अरे आज मैं तो ज्यादा देर तक सोता रह गया, मेरी ट्रेन छूट गई। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कोई एक दो ऐसे महारथी हो जो ऐसा हो, लेकिन उनकी गिनती नहीं होती क्योंकि लाइफ बॉय के प्रचार में भी एक दो कीटाणु छोड़ दिए जाते हैं, तो एक दो लोगों की कभी गिनती नहीं होती। गिनती हमेशा 98-97% लोगों की होती है, और 98-97% लोग ऐसे होंगे जिनकी ट्रेन अगर 4 बजे 2 बजे भी रही हो तो छूटी नहीं होगी, क्योंकि उनका लक्ष्य है कि आ मुझे इतने बजे स्टेशन पर पहुंचना है। आज तक किसी भी दूल्हे को कभी रात में नींद आई? अभी एक रात कोई जाग देता है जेमीडी मीटिंग के लिए तो क्या कहता है, मेरी रात काली हो गई। भैया रात काली ही होती है, तुम्हारी रात क्या काली हो गई, सबकी रात काली होती है। तुम अगर अपने घर में सो भी रहे होते तो भी रात काली ही होती, तब रात गोरी नहीं होती। लेकिन लोगों ने ऐसे अपने लिए बना लिए हैं मनपसंद शब्द जिसको कहकर वो अपने को सहानुभूति देते हैं, लेकिन जरा उसी से पूछो जिस रात तुम्हारी शादी थी क्या उस रात तुम नहीं जागे थे, क्या उस रात तुम्हारी रात काली नहीं हुई थी? तो बोलेगा एकदम नहीं हुई थी क्योंकि बगल में गोरी बैठी हुई थी। तो भैया अगर जागने से एक गोरी मिल सकती है तो जेएमबीडी के लिए भी कुछ रातें जागो, भागो, त्यागो, एक दिन देखना कितनी बड़ी कामयाबी रूपी गोरी मिल जाएगी जिससे ये गोरी भी तुम्हें और प्यार करने लग जाएगी। तो मेरा कहने का उद्देश्य आप लोगों को ये है कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब लक्ष्य सामने होता है, जब एक जेंट्स को पता होता है कि उसकी वाइफ उसके सामने है, जब वाइफ को पता होता है उसका हस्बैंड उसके सामने, उसकी शादी हो रही है, तो उनका माइंड एक दिन पहले, एक महीने पहले, एक साल पहले प्रिपेयर हो जाता है, और उस रात किसी के भी दिमाग में या आंखों में नींद नहीं आती क्योंकि सामने लक्ष्य होता है। लेकिन बारातियों को कैसे नींद आ जाती है, क्योंकि बारातियों के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं होता है। उनका लक्ष्य तो उनको सुबह मिलना होता है, जो खाना खाने के बाद उनको मिलता है, तो वो सुबह जागते हैं, बाकी रात में वो सो जाते हैं। तो आप लोग भी अपना लक्ष्य लीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने लोग सफल हुए हैं उन सब लोगों का लक्ष्य रहता है, वो लक्ष्य के लिए भागते हैं इसलिए उन्हें लक्ष्मी मिलती है, और जो लोग पूरे महीने भागते हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं होता तो उनकी सही क्लोजिंग नहीं होती, जब उनकी सही क्लोजिंग नहीं होती तो उनको सही आमदनी नहीं आती। आप कंपनी सॉफ्टवेयर में जितना डालोगे उतना ही कंपनी सॉफ्टवेयर आपको इनकम देगा। कंपनी तो आज आपके नाम, कंपनी तो ये कह रही है कि इस मार्च महीने में 31 मार्च को आप ऐसी क्लोजिंग करो कि 15 अप्रैल को आपके खाते में 1 करोड़ का चेक जाए, कंपनी भेजने को तैयार है। लेकिन क्या आपके माइंड ने ये तैयार कर लिया है कि मुझे मार्च में 1 करोड़ की इनकम लेने वाली क्लोजिंग करनी है? आपके माइंड ने क्या तैयार किया है, आपके माइंड ने क्या प्रिपेयर किया है कि मुझे मार्च की क्लोजिंग किस इनकम के लिए करनी है, मुझे अप्रैल की क्लोजिंग किस इनकम के लिए करनी है, मुझे मई की क्लोजिंग किस इनकम के लिए करनी है? अगर वो पता नहीं होगा, वो पूरा नहीं होगा, फिर हम किस ढंग से काम करेंगे, फिर हमारा ढंग बेढंग हो जाएगा। आज आज बर्गर, मैकडोनाल्ड बर्गर पूरी दुनिया में बिक रहा है। शुरुआत कहाँ से हुई? ठेले से। लेकिन जब ठेले से वो शुरू हुआ होगा तब उसका माइंड मेकअप रहा होगा कि एक दिन मुझे पूरी दुनिया में जाना है,
एक दिन मुझे पूरी दुनिया में छाना है, मुझे ऐसा बर्गर बनाना है, मुझे ऐसा बर्गर खिलाना है, मुझे ऐसे प्रोडक्ट यूज करने हैं कि एक दिन मेरी फ्रेंचाइजी हो, ठेले पे मैं ना रहूं। ठेले से शुरुआत भले हुई है लेकिन मेरी जिंदगी ठेले पे ना रहे और मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, मैकडोनाल्ड बर्गर दुनिया खाती रहे। इस सोच के साथ उसने ठेले पे बर्गर लगाना शुरू किया होगा, उसका लक्ष्य पहले से क्लियर रहा होगा, इसलिए उसने वो मैटेरियल यूज किया कि जो भी एक बार खाया उसने कहा अगली बार बर्गर खाना है तो मैकडोनाल्ड का ही खाना है। वो इस ढंग से बनाता है, वरना बर्गर के तो ठेले ही ठेले लग रहे हैं, हर ठेले वाला मैकडोनाल्ड क्यों नहीं बन जा रहे हैं। ढंग बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ढंग। अगर आप चाहते हैं 5 साल के बाद आपको करोड़ों रुपया महीना आए, अगर आप चाहते हैं कि हर महीने आपका उत्साह बढ़े, तो आपको अपनी टीम को करके दिखाना पड़ेगा। अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए आपको अपना लक्ष्य लेना पड़ेगा, अपनी लक्ष्मी पहले से क्लियर करनी पड़ेगी कि इस महीने किस लक्ष्मी के लिए आप भाग रहे हैं, कितना धन आपको चाहिए। और जब आपका धन क्लियर होगा तो फिर मन वैसे ही काम करेगा, फिर आप उतना प्लान दिखाएंगे कि जिससे उतना पैसा आए, फिर आप उतना फॉलोअप करेंगे ताकि उतना पैसा आए, फिर आप उतना लोगों को रिटेल करेंगे कि उतना पैसा आए, फिर आप मैजिक कॉर्नर खोल लेंगे कि उतना पैसा आए। दोस्तों आप रोज खाना खाते हैं, उसमें भी तो पहले आप शाम को ही चुनाव कर लेते हैं ना आज क्या बनेगा, सुबह भी चुनाव कर लेते हैं क्या बनेगा। जिंदगी में आज आपने जो भी कपड़ा पहना है, क्या आपके पास यही एक कपड़ा है? जो भी शर्ट साड़ी पैंट, जो भी आपने अंडर गारमेंट्स, जो भी चीजें आपने पहनी है, वो बहुत सारे होंगे आपके घर में, लेकिन आपने क्लियर किया ना कि आज मुझे ये पहनना है तो आपने वही पहना। मेरा आप लोगों को कहना है कि बिना लक्ष्य के मत भागिए, बिना लक्ष्य के जो भागता है उसे मूर्ख कहते हैं। सड़क पर कभी आप देखते हैं ना जिसको लोग पागल कहते हैं, पागल, उसको पागल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पागल की परिभाषा है पा मीन्स पाने के लिए, गा मीन्स गतिशील रहे, ला मीन्स अपने लक्ष्य को। जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील है वो पागल है, जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है और उसको पाने के लिए गतिशील नहीं है, वो पागल कहाँ है। पागल तो एडिशन थे, जब तक बल्ब नहीं बन गया 15-15 दिन वो अपने प्रयोगशाला में रहते थे, घर नहीं आते थे, वहीं खाना वहीं पीना वहीं रहना वहीं सोना, उसे पागल कहते हैं। पागल तो माझी है, जब तक पहाड़ तोड़ नहीं दिया तब तक वहां से आए नहीं, चाहे घर वालों ने बच्चों को लाकर वहीं रख दिया, चाहे खाने को मिला या नहीं मिला, सांप ने उनको काट लिया तो उन्होंने अंगूठा ही काट दिया, लेकिन पहाड़ तोड़ना नहीं छोड़ा। अभी आप सोचो आप GMBD करने जाओ और आपको सांप काट ले, आप बोलोगे बाप रे बाप छोड़ो GMBD, यहां तो भैया एक बार सांप ने काट लिया जिंदगी बच गई, अब अगली बार GMBD करने नहीं जाना। ऐसे लोगों को क्या पागल कहते हैं? ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं। अमिताभ बच्चन का फिल्मों में बंदर का लीवर लगा है, चोट लग गई फिर भी उन्होंने फिल्में बनाना नहीं छोड़ी, और अभी 80 साल के होने जा रहे हैं और उनकी नई फिल्म रिलीज हो रही है झुंड, जिसमें वो मुख्य भूमिका में है। इसे कहते हैं पागल। मूर्ख तो उसे कहते हैं जो सड़क पर हमें दिखते हैं, पता नहीं होता कहाँ इनकी शाम होगी, पता नहीं कहाँ होता है कि इनकी कहाँ सुबह होगी, क्या ये खाएंगे, क्या पहनेंगे, कब जागेंगे, कब सोएंगे, कुछ भी पता नहीं होता, उन्हें कहते हैं मूर्ख। अगर हम बिना लक्ष्य के भाग रहे हैं तो उनमें और हमें अंतर क्या है? हम इस महीने 40,000 की क्लोजिंग करेंगे या 4 लाख की क्लोजिंग करेंगे या 40 लाख की करेंगे या 4 करोड़ की करेंगे, हम किस ढंग से काम कर रहे हैं? हमारे ऊपर अगले महीने कौन से कामयाबी का रंग चढ़ेगा, कौन सी कामयाबी देखकर दुनिया दंग होगी, बड़े बड़े लोग हमारे संग आने को तैयार होंगे, ये ढंग कब आएगा अगर हमारे सामने हमारा लक्ष्य ही नहीं होगा? तो दोस्तों लक्ष्य लीजिए, दैनिक लक्ष्य भी लीजिए, मासिक लक्ष्य को दैनिक लक्ष्य में बदलिए।
कि अगर मुझे इस महीने 4 लाख बीबी करना है तो डेली कितना बीबी मेरा होना चाहिए। फिर उस पर आप देखिए आपकी सुबह कैसे होती है, आपकी शाम कैसे होती है, आपका दोपहर कैसे होता है। ये बहुत बड़ी प्रोफेशनलशिप है। आप देखिए जब भी कोई फिल्म बनती है, एक एक डायलॉग के लिए पोस्ट कार्ड बनता है, एक एक डायलॉग एक एक सीन के लिए पोस्ट कार्ड बनता है। प्रोफेशनलशिप भाई साहब, जब कोई घर बनता है, आप कभी अपना कपड़ा देने जाइए किसी टेलर को, आप देखिए एक एक इंच के लिए वो लिखता है। अगर आपकी कमर 36 है तो वो 37 या 35 नहीं लिखेगा, अगर आपकी कमर 36.5 है तो 35.5 या 38.5 नहीं लिखेगा। एक एक इंच का तब वो कपड़ा आपको फिट आता है, तब उसे पहन के आप हिट दिखते हो। मेरे भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर करोड़ों कमाना है तो उन सूक्ष्म बातों को अब समझना पड़ेगा, और उसी पर ये क्लास चल रही है। ढंग सीखना पड़ेगा। केवल ईंटों को जोड़ने का नाम मकान बनाना नहीं है, ऐसे ही केवल लोगों को जोड़ने का नाम नेटवर्क बनाना नहीं है, केवल सुई धागा सिलाई मशीन के चलने का मतलब कपड़े का फिट हो जाना नहीं है। इसी प्रकार से केवल दिन रात मेहनत करने का नाम नेटवर्किंग में हिट हो जाना नहीं है। समझिए, आपका लक्ष्य आपके अंदर सुधार लाएगा, आपका लक्ष्य आपको जवाबदेही करवाएगा, आपका लक्ष्य आपसे योजना बनवाएगा, आपका लक्ष्य आपको सुबह जगाएगा, आपका लक्ष्य आपको दिन में भगाएगा, आपका लक्ष्य रात में 9 बजे आपको फॉलो अप कराने ले जाएगा, आपका लक्ष्य आपको किताब पढ़वाएगा, आपका लक्ष्य आपको हजारों लोगों की नौ सुनने के लिए प्रेरित करेगा, आपका लक्ष्य आपको शख्स से शख्सियत बना देगा, आपका लक्ष्य आपको आइडियल बना देगा लोगों को, आपका लक्ष्य आपके सिग्नेचर को ऑटोग्राफ बना देगा, आपका लक्ष्य आपके अंदर ढंग पैदा करेगा। जिस ढंग से आई कामयाबी को देखकर दुनिया दंग हो जाएगी और बहुत सारे लोग आपके संग आने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आप दुनिया के नूर हो जाएंगे। तो वो ढंग अगर पैदा करना है तो अपना मासिक इस महीने मार्च की क्लोजिंग किस इनकम के लिए होनी चाहिए, ये आज रात में लिख लेना है, और बचे हुए दिनों में वो इनकम कैसे आएगी, कितनी मेहनत की जाए, कितनी रिटेलिंग किया जाए, कितना रिपर्चेज बढ़ाया जाए, कितना डायरेक्ट बढ़ाया जाए, कितने पॉइंट बढ़ाए जाए, कितने अवेयरनेस बढ़ाए जाए जिनसे 50% आकर मेरा वो टारगेट पूरा हो, इस पर आपकी योजना बननी चाहिए।